मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों के बारे में रणनीति तैयार करने के साथ नए पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई। मुरादाबाद शहर के इंदिरा चौक पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की बैठक के दौरान अंशु सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाने के साथ साथ उनका स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस दौरान महाशक्ति में शामिल होने वाले कई पदाधिकारियों को भी सम्मानित करने के लिए भी काम किया गया। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री बनाए गए आशु सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा समाज और देश की सेवा करने के लिए काम करूंगा और महाशक्ति को मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। सिटी जनर संवाददाता से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के शाकिर अली ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति एक बड़ा संगठन बनकर सामने आ रहा है और सभी लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि समाज और देश की सेवा की जाए और किसानों का हर संभव मदद करने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान हो। आज मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री शाकिर हुसैन जी आज हमारे निवास पे हमारे घर पे आके खुद उन्होंने नियुक्त करा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। मैं किसानों और गरीबों के इतने काम करने के लिए पूरे अपने तन जन तन मन मन से लगा रहूँगा। 8 तारीख को हमने बिल्कुल चक्का जाम कर रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने सबसे क्या बोल दिया है कि पूरे प्रदेश में 8 तारीख में चक्का जाम रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। अगर आपको पद मिला तो कैसा महसूस कर रहे हैं पद लेने के बाद? आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? मुझे इस लायक समझा भारतीय किसान यूनियन ने, इस काबिल समझा कि मुझे इतना बड़ा कर्तव्य देने का बोलिया। मैं पूरे अपने पूरे तन मन धन से करूँगा काम। इसमें सर जो भी है किसान के इतनों का, गरीब के इतनों का, जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा। शाकिर भाई, आज क्या भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की एक मीटिंग छोटी सी एक पंचायत रखी गई थी अंशु भाई के यहाँ जी, और इन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है और मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और सारे किसान भाई मजदूर 8 तारीख में हम लोगों का साथ दें और सब लोग हर जगह खड़े होंगे, ये इन्होंने मुझे उम्मीद जताई। अभी जो किसानों के साथ चल रहा है खालिदा मजाद, ये किसानों के साथ जो चल रहा है पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अभी तक सरकार ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी है, इसलिए 8 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान में ये ऐलान कर दिया है कि रोड जाम करेंगे। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के महामंत्री बनाया गया है और मुझे